जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। दोस्तों काफ़ी लोग लेडीज़ की ये प्रॉब्लम रहती है कि आप लड़कियों को बिल्कुल गलत समझते हो, आप लड़कियों की रेस्पेक्ट नहीं करते, आप वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए यार, मैं ना सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मेरा वीडियो होता है ना उन लोगों के लिए होता है जो निर्दोष होते हैं, ठीक है। जो गलत है उनको सजा भोगने दीजिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए होता है, मैं क्लियर आपको कई बार बता भी दिया, आज भी मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, कि मेरा वीडियो उन माँ बाप के लिए होता है जिनके इकलौते बेटे होते हैं, जो निर्दोष होते हैं, जिनकी उम्र काफ़ी हो जाती है, उनके बाद भी उनको झूठे केसों में फंसा देती है। एक तो मैं माँ बाप के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैक्सिमम माँ बाप लोग जो बड़ी फैमिलीज होती है, परिवार होती है, एक मेरे वीडियो पारिवारिक देखा जाता है काफ़ी चीज़ में। काफ़ी लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए लोग भी हैं जो परिवार वेट रहता है मेरे, शाम को इंतजार पूरा परिवार मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उन लोगों को लिए मेरा वीडियो होता है। जैसे एक माँ बाप है जिनकी उम्र 60-65-70 साल की है, एक पिता की उम्र है, और उस पिता में एक महिला आती है, पत्नी आती है, एक महीना भी शादी को नहीं होते हैं, उस पर लगा देती है कि मेरे ससुर मेरे साथ छेड़ाछाड़ी किया। लांछन लगाना, एक पल के लिए आपका पिता को खड़ा करके देख लीजिए, वहाँ पे आपके पिता को एक पल के लिए खड़ा करके देख लीजिए, फिर आप अपने बाप से सफाई दिलाइए वहाँ पे, क्या बीतती उस बाप पे, ठीक है ना। नहीं, आप एलिगेशन लगाने में आप इतना गिर सकते हो, और फिर आपका रिजल्ट क्या आता है, समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइजिंग कर लो, क्यों? जब रियल में आपके साथ घटना घटी तो केस लड़ी है ना आप भाई, जब आपके साथ रियल में घटना घटी है तो केस लड़ी है ना आप, क्यों पैसों के लिए भीख मांग रहे हो फिर आप? ये रियलिटी है, मैं भीख ही बोलता हूँ भैया, आपके चुपती है तो चुपने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। लड़का ने 498 अरे उनके खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ जो एक शादी को एक साल भी नहीं हुआ। यार एक साल में आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे, एक परिवार से दूसरे परिवार में आप आए हो, उस परिवार को आप समझ नहीं पा रहे हो, और एक साल के अंदर, क्यों, मैंने एक दिन के अंदर भी केस देखा हूँ, दुल्हन पूछती नहीं आके 498 लगा देती। मेरे खुद प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास ऐसे केस हैं जिनमें दो दिन के अंदर, शादी के दो दिन में अंदर में 498 केस लगाए। क्यों भैया, क्या आपकी शादी से पहले वो परिवार था वो भीख मांग रहा था क्या भाई? आप ही का इंतजार था कि आप आएंगे और आपसे पैसे की डिमांडें करेंगे, उससे पहले तो भीख मांग रहा होगा रोड पर भाई, भीख मांग रहा होगा ना आपके रोड पर। तो उन लोगों के खिलाफ आपको शर्म नहीं आती उस चीज़ के लिए? आप लोग कह दिए कि हमसे दहेज की डिमांड कर दी, आप कोर्ट में जाके भीख मांगते हो, आप 125 की डिमांड एक तुरंत 125 लगा देती हूँ, क्यों आपको शर्म नहीं आ रही क्या? आपके साथ क्राइम गठा है ना, तो आप उसको सजा दिलाए ना, केस लड़िए लंबा पूरा, क्यों भाई? अगर आप कहते हो ना कि भाई हमारे साथ घटना घटी है, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो सपोर्ट करता हूँ, मैं आप लोग ही मेंटेनेंस केस भीख मांगना बंद कर दीजिए, आप नहीं आप बंद कर दीजिए ना, बिल्कुल सपोर्ट होगा ना, क्यों? गलत हुआ तो गलत के पूरा सजा दिलाए ना उस इंसान को, आप सजा दिलाए ना, आप क्यों कॉम्प्रोमाइजिंग की तरफ भगते हो फिर? क्यों फाइल को आप कॉम्प्रोमाइजिंग की तरफ लेके जा रहे हो, जब आपके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, आपके साथ क्राइम घटा है, आपने 498 की डेफिनेशन पता है कि आपको क्या होता है 498? आपके माँ बाप की आपकी बात नहीं माना, आपकी रिमोट से चला नहीं लड़का, तो 498 लगा दो, आपकी डेफिनेशन यही होती है क्या? नहीं, आपकी डेफिनेशन यही होती है कि भाई आपको 498 लगा दूँ डायरेक्टली, बिना नॉनसेंस, ना आपके पास कोई एविडेंस होता है ना कुछ सबूत होता है, आपने लगा दिया साहब, चलिए क्या होता है उसमें? परिवार, आप सोचते हो कि हस्बैंड झुक जाएगा? नहीं, हस्बैंड मजबूत हो जाता है, कि एक लड़के उसको पता पड़ जाता है, जब कोर्ट कचहरी जाने लग जाते हैं लोग तो उनको पता पड़ जाता है कि हमारा भी राइट होते हैं कुछ, ठीक है। और झूठ झूठ ही होती है, एंड में सच की ही जीत होती है, आप चाहे 5 साल लग लो 10 साल लग, और क्या 498 की बात तुम घर बसाने की उम्मीद रख लेती हो? कोई नहीं, जिसको घर बसाना होता ना वो कोर्ट कचहरी नहीं घूमते, ये 99% सत्य है, जिसको घर बसाना होगा ना वो कभी नहीं सोचेंगे, वो पारिवारिक बैठेंगे, समझौता करेंगे, बात करेंगे, भाई बात क्या है क्या नहीं है, बड़े बुजुर्ग परिवार का मामला परिवार वाले ही सुलझा सकते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं सुलझाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आप लोग जो ज्ञान कमेंट में आके दे देती हो फोकट का ज्ञान, तो वही वो कहीं और चलाए। मैं तो कई बार कहता हूँ यार, आप सब्सक्राइबर, एक भी सब्सक्राइबर रहेगा ना मेरा, उसके लिए मेरे वीडियो आएंगे, प्रॉपरली आएंगे मेरे वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा, कंटिन्यू उठाता रहूँगा मैं, ठीक है। NCERB के आंकड़े उठा के देख लिए, 98% झूठे मामले जा रहे हैं, जॉब करने वाली लड़कियों के मामले 96% जा रहे हैं, क्या करोगे आप लोग? क्यों फिर कहते हो कि आप गलत बोलते हो लड़कियों के? गलत कहाँ बोल रहा हूँ भैया मैं, लड़कियों के लिए गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो उनके लिए जो लुटेरियाँ होती हैं उनके लिए बोलता हूँ, जिसका एक दिन शादी में भी 498 ठोक कर 125 भीख मांगने आ गए। क्यों, आप तो डिमांड मांग रहे हो, हम तो तलाक भी जब देंगे जब 20 लाख देंगे। भैया कभी जिंदगी में 20 लाख भी देखे हो क्या? 20 लाख कितने होते हैं? मांगते हुए शर्म नहीं आती, जैसे 20 लाख कमा के रख के आ गए ना, आप कहोगे कि तुमने कौन से कमा के दिए तो हम दे ही दे। क्यों, मांगा है उसको प्रूफ करिए ना आपने, पहले उस चीज़ को प्रूफ तो करिए कि पार्टी ने मांगा है नहीं मांगा आपके, पहले उससे पहले आप तो भीख मांगने में मेंटेनेंस का केस कर देती हो। क्यों भाई, जब आपके साथ क्राइम घटा है तो बिल्कुल सपोर्ट है ना, आपके साथ क्राइम घटा तो उसको सजा दिलाई। क्यों, आप लोग अपने आप पे आत्मनिर्भर बनिए ना, आप आत्मनिर्भर बनिए,
करिए केस उस पर, लड़िए फाइनल तक जाइए, एंड जजमेंट आता है तब तक लड़िए आप, क्यों वीक मांगने लग जाते हो मेंटेनेंस का केस करके। मतलब आप मांगो तो वह तो बिल्कुल दोष, बिल्कुल निर्दोष है साहब, आप तो सच्ची सावित्री है जी, बिल्कुल हरिश्चंद्र का रूप में अभी तो नारी है, जो कह दी वह सत्य है, क्या बात है जी। हजबैंड का परिवार पछत गया, वो क्या उधर माँ बाप नहीं है क्या? नहीं उधर माँ बाप नहीं। अब तुम क्या करते हो, तुम लोग जो माँ बाप से इनसे दूर करने रही, लांछन लगाना, ये चीज़ें होती ना, क्यों तुम्हारे भी भाई है, तुम्हारे भी माँ बाप है, क्यों लोग उनको ज्ञान बांटते हो, भाभी हमारी माँ बाप की सेवा करना है, उधर तो कर लोगे ना, इधर नहीं होगा आपका, क्यों इधर तो माँ बाप है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जानू बाबू है इधर, तो यही चीज़ सीखते हो आप लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे ना। तो देखिए मेरे है ना गलत के लिए वीडियो, ये नहीं कि आप चाहे वो लड़का गलत है चाहे लड़की गलत है, दोनों के लिए मेरे गलत लोगों के खिलाफ वीडियो होते हैं हमेशा, ठीक है, मेरा किसी भी गलत के कोई खिलाफ नहीं, मेरा माँ बाप के लिए सपोर्ट रहेगा हमेशा, माँ बाप के लिए वीडियो आएगा, आता रहेगा।